एमपी मुकुल। ओके, तो अभी हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। जय भीम सभी को, वेलकम टू डिजिटल नालंदा। कल हम क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इंडिया से नहीं आता है, हमारे कंट्री से नहीं आता, बट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो भी एक्शंस है जब हमारे पॉलिटिकल लोग लेते हैं या जो हमारे लीडर्स रहते हैं, ठीक है, हर कंट्री के, वो जब लेते हैं तो उसका रिएक्शन किस तरह से एक पर्टिकुलर कंट्री पे होता है, उसका एक सही एग्जांपल, ठीक है। और अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस समझने कि उसका इम्पैक्ट कैसे होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह जो टॉपिक होते हैं उनको हम पढ़ें, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक क्यों ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कौन सा है? तो आज हम अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और काफ़ी दूर है हमारी इंडिया से, ठीक है। तो वहाँ पे दो कंट्रीज हैं, एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री आती है मेक्सिको, और दूसरी कंट्री है जो साउथ अमेरिका में आती है इक्वेडोर। तो अब इन दो कंट्री में ऐसा क्या हुआ है कि इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इक्वेडोर जो कंट्री है वहाँ पे 23 में इलेक्शंस हुआ था, ठीक है, और फिर वहाँ पे इलेक्शन होने के बाद एक नई सरकार चुनी गई, और अभी वही जो नई गवर्नमेंट है वो एज अ रूलिंग पार्टी वहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। बट जो लास्ट जो उससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट वगैरह थे, तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, ठीक है, और उसके ही तहत उनको आई थिंक सेंटेंस भी मिली है, सज़ा भी मिली है। और अब जिनको सज़ा मिली है वो पहले जो गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनको मिली, ठीक है। अब उनको खुद को बचाने के लिए वो एक मेक्सिको, मतलब उनके ही देश में, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि वो दूसरे देश में भागे हो, उनके ही देश में मेक्सिको की जो एम्बेसी थी, ठीक है, वहाँ पे जाके वो छुप गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अब देखो एम्बेसी जो होता है जिसको हम हिंदी में दूतावास कहते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंट्री में, जैसे कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जितने भी हम कंट्रीज हो गए जिनके साथ इंडिया का अच्छा रिलेशंस होगा, या दुनिया में जितने भी कंट्रीज है, ठीक है, हो सकता है कि सभी के दूतावास हमारे यहाँ हो। अब दूतावास मतलब क्या होता है कि मान लो कि अमेरिका है, तो अमेरिका के ऑफिसर्स हमारे यहाँ एक ऑफिस में काम करेंगे, ठीक है, और वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे किसके, अमेरिका के। तो उनका काम क्या रहता है, कोई भी अगर अमेरिका के बिहाफ पे कुछ भी करना है तो पहले हमें एम्बेसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। इवन हमको अगर अमेरिका में जाना भी है तो वीज़ा की पूरी प्रोसेस उसी एम्बेसी के थ्रू होती है, दूतावास के थ्रू होती है। तो बेसिकली ऐसा ऑफिस जिसके थ्रू हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री से, ठीक है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी हो, ठीक है। तो हर देश में अपना अपना एक एम्बेसी होता है ताकि हम उनके साथ अच्छे से वार्तालाप कर सके, बात कर सके, ठीक है, और जो भी इश्यूज है उसको हम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ऐसी ही एक एम्बेसी थी कहाँ पे, जो इक्वाडोर जो देश है वहाँ पे मेक्सिको की एम्बेसी थी। अब जो एम्बेसीज होती है, ठीक है, उनकी अपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब एम्बेसी में अभी मान लो कि अमेरिका की एक एम्बेसी हमारे यहाँ है, ठीक है, अब हम किसी भी जगह पे
डायरेक्टली नहीं जा सकते, ठीक है, एम्बेसी में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। देयर इज रूल्स एंड रॉ कि जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम एम्बेसी में मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी है तो हमको एक प्रोसीजर होती है। अब इक्वाडोर में क्या हुआ कि इनको पता था कि मेक्सिको के एम्बेसी में वहाँ के प्रेसिडेंट छुपे हुए हैं, तो इन्होंने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है, और डायरेक्ट वहाँ पे जाके रेड डाल दी, ठीक है, छापा डाल दिया कि यहाँ पे जिनको हम सजा देने वाले वो व्यक्ति है, तो वी वांट दैट वन, ठीक है। बट इस तरह से प्रोसेस नहीं होता, ये जो भी रूल है उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो इसी को ही, इसके ही पूरे बारे में आज का हमारा क्लास है, और हम उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या है कि वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इन द केस आपको कुछ भी समझ में नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज़ पूछ, ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, प्लीज़ लेट मी नो आपको दिख रही। दिख रही है? ओके मुकुल, थैंक यू, थैंक यू पल्लवी। तो पहले तो सबसे पहले जैसे हमेशा हम करते हैं कि कोई भी लोकेशंस का नाम आता है, कंट्री का नाम आता है, तो पहले हम एग्जैक्टली कंट्री है कहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक छोटा सा पोर्शन है स्क्रीन पे। तो ये है दो अमेरिका के कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब हम सबको पता है कि हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा ही मैप मैप देखते हैं जिसपे हम सबको अच्छे से समझ में आए। ये मैप आप सबको दिख रहा है? तो ये हमारी दुनिया है, ठीक है, जो अर्थ है उस पे ये दुनिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे अभी तक 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक अब 7 कौन से कॉन्टिनेंट है हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। हम उसको फिर से रिपीट करते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन जो आपको यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से ऐसे ये आता है एशिया में, तो ये कॉन्टिनेंट हो गया है एशिया, ठीक है, ये हो गया एशिया। उसके नीचे आता है एक छोटा सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसका नाम ही ऑस्ट्रेलिया दे दिया है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जब हम देखते हैं ये वाला पूरा जो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, मैं जहाँ जहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ, तो ये है यूरोप, यूरोप। उसके बाद अभी तक हमने 3 कॉन्टिनेंट देखे, उसके नीचे यूरोप के ये आता है यहाँ, ये है अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, 4 हो गए। फिर आप यहाँ से देखते हो ये का ये वाला एरिया आता है नॉर्थ अमेरिका, और उसके नीचे जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये है साउथ अमेरिका,
हो गए 6। और फिर क्योंकि अभी याद करो, देखो हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, राउंड है, ठीक है। तो जब हम राउंड करते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और एक कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका, ठीक है, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, ठीक है, बट पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ है, ठीक है, तो वो है अंटार्कटिका। में नहीं आया है बट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट, और ये आपको हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम जिस कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो है ये वाला ही, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है ये वाले, ठीक है। एक ये है मेक्सिको, इस कंट्री के बारे में हमने अभी मेंशन किया था, तो ये आती है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और जिस कंट्री का हमने अभी नाम लिया था इक्वेडोर, ये है यहाँ पे छोटा सा कंट्री है, आपको ये दिख रहा होगा आई होप, इक्वेडोर, ये इक्वेडोर, ये आता है साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में। तो ये कुछ कॉन्टिनेंट है, अभी मैं इनको जूम करती हूँ, ठीक है। तो जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कंट्री है इक्वेडोर, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ही, ठीक है, यहाँ के एम्बेसी में, यहाँ के एम्बेसी में वो प्रेसिडेंट छुपे हुए हैं। और किस देश की एम्बेसी है? मेक्सिको की है। एम्बेसी भी इक्वेडोर में ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एम्बेसी मेक्सिको में है, नहीं, एम्बेसी मेक्सिको की है लेकिन इक्वेडो में ही है, ठीक है। और जहाँ पे जाने के लिए कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, उन्होंने उस चीज़ का फॉलो नहीं किया इसलिए ये बात उभर के आई, ठीक है। जो क्लेम किया गया है या एक अभी बेसिकली मेक्सिको केस करना वाला, ठीक है, आपने हम जब गाजा अटैक पढ़ रहे थे, ठीक है, आपने सुना होगा आईसीजे, आपको याद है हमने आईसीजे के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो अभी क्योंकि मेक्सिको के एम्बेसी में यहाँ के जो लोकल पुलिस है या जो भी ब्यूरोक्रेट्स है वो कहाँ पे आए, उनके एम्बेसी में आए, ठीक है। और इन्होंने एक कन्वेंशन का क्या किया है, कन्वेंशन का ब्रेक किया है, ब्रेक किया मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको तोड़ा गया है। अब उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में अभी मेक्सिको यहाँ पे केस करने वाला, ठीक है, आईसीजे में, ठीक है। तो अभी पहले हम थोड़ा उस कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं जिसके बुनियाद पे मेक्सिको अभी केस करेगा इक्वेडोर पर, ठीक है। अब उस कन्वेंशन का नाम है वियना कन्वेंशन, ठीक है। अब ये कन्वेंशन हुआ था 1961 में, ठीक है, और ये लागू हुआ था 1980 या 81 में, ठीक है, प्लीज़ इसका डेट एक बार चेक कीजिएगा। तो 1961 में ये कन्वेंशन बना था, ठीक है। अब ये कन्वेंशन क्यों बनते हैं, ठीक है, क्यों क्यों लोग अलग अलग रूल्स एंड लॉ बनाते हैं? तो हम सबने पढ़ा है कि पहले क्या होता था, जिसके पास जितना पावर है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता, ठीक है। और जिसके पास कोई भी पावर नहीं है वो उसके अंडर में जीता था, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी हम 2 वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक था 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। दूसरा था 1939 से लेकर 1944 या 45 तक, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2। 2 वर्ल्ड वॉर थे, ठीक है। अब जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारी दुनिया में क्या थे, कोई ऐसा स्पेसिफिक कंट्री के तौर पे कुछ नहीं था, ठीक है। हमारे यहाँ बेसिकली क्या होते थे, एम्पायर्स होते,
ठीक है। तो एम्पायर्स किसके होते हैं? किंग या एम्परर के। ठीक है, अब बेसिकली इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो नेशन का जो बिल्डिंग था, ठीक है, या नेशन नाम का जो कंडीशन था उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। और ज़्यादातर क्या होता था कि आप एक राजा दूसरे के राजा के साथ लड़ते थे, ठीक है, और यही उसी टाइम पे हुआ था, ठीक है। वो और जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग जो लैंड्स थे, ठीक है, जैसे कि मान लो ब्रिटेन, ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल, ये कुछ डेवलप जगह थी, इनके पास बहुत पैसे थे, तो इनकी क्या थी? कॉलोनीज थी। इन्होंने बड़े बड़े जो जगह थी उनके ऊपर जाके कब्जा किया, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी का म्यांमार, थाईलैंड, ये जो पूरा आप एरिया ऐसे देख सकते हो, ये पूरा ऑलमोस्ट एरिया उन्होंने ऐसे कब्जा किया था, ठीक है। तो ये कॉलोनीज भी थी उस टाइम, ठीक है, एम्परर्स भी थे, ठीक है, तो उनके ही बीच में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था ज़्यादातर, ठीक है। कंट्री जो थी वो धीरे धीरे उभर के आ रही थी। एक वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है, और जो पूरा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी ज़्यादातर, ठीक है, वेपन्स नहीं थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को ये समझा दिया था कि जिसके पास ज़्यादा वेपन्स होंगे, जिसके पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, वही कंट्री सुपर पावर बन सकता है या पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकता है, ठीक है। और उसी का ही रिजल्ट कहीं पे वर्ल्ड वॉर टू में देखा गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स आए, ठीक है, उसका यूज किया गया, मशीन्स गन आई, रडार आए, ठीक है, ये जो आपको नए नए वेपन्स दिखते हैं सभी इस टाइम का इन्वेंशन है, लोगों ने किया। अब जब जितनी तबाही थी वो सब पूरी तबाही इन इस टाइम में पूरा देख लिया था सब, ठीक है। और अगर हम उसी स्टेट ऑफ कंडीशन में रहते, ठीक है, तो आज की जो दुनिया थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं पे अपने जापान के ऊपर जो हुआ था, ठीक है, हमला किसके द्वारा? यूएसए द्वारा, आपने उसके बारे में सुना होगा, ठीक है। और जो जापान में देखा गया, ठीक है, उससे सबसे बड़ी क्या हुई, एक लर्निंग ली गई कि अगर हम सबको रहना है, ठीक है, और अगर हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमको सबको सबको शांति से रहना, ठीक है। और इसीलिए उसी टाइम से 1944-45 से आप देखोगे कि बहुत सारे समझौते हुए हैं, ठीक है, समझौते मतलब एग्रीमेंट्स हुए हैं कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अगर कोई भी बात है, कुछ भी आपको कुछ करना है, तो अभी आप आर्मी लेके उनके बॉर्डर पे खड़े नहीं रहते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप डिप्लोमेट्स भेजते हो, ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेटिव भेजते हो दूसरे देश में, ठीक है, और वो बात करते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि आप प्रपोजल रखते हो, अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर क्या, आर्मी लेके जाते थे, ठीक है, फिर जो जीत जो भी देश या जो भी राजा जीतेगा उसका जो भी रूल होगा वो माना जाएगा। ये बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, बट आज के टाइम पे वैसे होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। कितना भी देशों के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, फिर भी हम किसी भी मतलब कोई भी देश आर्मी लेके लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता, राइट। अभी जो भी है वो बातचीत के द्वारा सॉल्व किया जाए, ठीक है, और ये सभी 1945 के बाद की बात है, ठीक है। उससे के ही बाद हमने देखा यूएन का क्या हुआ, स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन,
हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा हाथ है कि हमारे जो भी दुनिया है उसमें शांति प्रस्थापित करने के लिए और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, और वियना जो कन्वेंशन था वो भी इसी के ही रिगार्डिंग था, ठीक है, कि अगर आपको अच्छे से रहना है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़े, ठीक है, चाहे वो कोई भी देश हो। अभी इंडिया का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वैसे ही अमेरिका का है, ठीक है, वैसे ही यूके का है, हर कंट्री का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन तभी तक सीमित है जब तक आप उसी देश के अंदर आते, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया के लिए है, इंडिया के बाहर वालों के लिए नहीं, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसे ही, अब हर कंट्री के अपने अपने रूल्स उनके उनके ही कंट्री के लिए हैं। तो ये समझने के बाद ये माना गया कि हमको कुछ इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी उससे बच सके, ठीक है। तो ऐसे ही इसलिए वियना कन्वेंशन का क्या हुआ, जन्म हुआ। और उसने क्या किया, किस तरह से हमारे एग्रीमेंट्स होने चाहिए, हमारे ट्रीटीज होने चाहिए, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो सभी के बारे में इसमें बताया गया। तो जो जिस भी चीज़ से एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, बातचीत आएगी, उन कंट्री में क्या होगा, ये जो कन्वेंशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, ठीक है। और अगर कोई वैसा नहीं करता है तो दे विल पनिश। अब पनिशमेंट किसका काम है करना, तो वो है आईसीजे, देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट। अभी जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें हमारे जितने भी रूल्स है रेगुलेशंस है को फॉलो करना है वो लिखे गए हैं। अगर कोई संविधान का फॉलो नहीं करता है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते, हम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं कि हमारा जो संविधान ने हमें अधिकार दिए है उसका हम पालन नहीं कर रहे, या जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके पालन नहीं कर, ठीक है। तो वियना कॉन्वेंशन में क्या किए गए, रूल्स बनाए गए कि किस तरह से एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट्स रहेंगे, ठीक है, आप किस तरह से ट्रीटीज बनाते हो, कोई भी देश हो, रूल्स बनाते हो, रेगुलेशंस बनाते हो, ये सभी उन देशों के लिए है जो देश है सॉवरेन। अब एक कंसेप्ट है सॉवरेन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो सॉवरेन मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जो खुद के लॉ खुद ही बनाता है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है। तो अभी अगर इंडिया सॉवरेन नहीं होता तो क्या होता, तो कोई भी लॉ बनता है इंडिया में, ठीक है, तो वो लॉ बनने के बाद उसको फाइनल एसेंट देने का काम, ठीक है, मतलब सहमति देने का काम वो ब्रिटेन में जाता। तो ब्रिटेन का जो भी हेड होता, ठीक है, वो हेड सब कुछ जानने के बाद अगर साइन करता है तो फिर वो लॉ बनता है। तो बेसिकली मतलब इंडिया के जो भी लॉ है वो ब्रिटेन बनाता, ठीक है, लेकिन इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन मतलब सार्वभौम, उसके ऊपर में मतलब अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनता है तो वो विद इन कंट्री बनता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज के लिए जो इंडिपेंडेंटली अपने लॉज एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना पूरा देश चलाते हैं, उन कंट्रीज के लिए ये वियना कन्वेंशन, ठीक है। सॉवरेन समझ में आया, सॉवरेन मतलब कि जिसका जो मतलब कि ऐसा देश, ठीक है, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाता है, अपने लॉज खुद बनाता है और उसी लॉ के रिगार्डिंग वो चलता है।
ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो भी पावरफुल जो भी पर्सन है वो विद इन कंट्री है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कोई बाहर का आदमी नहीं है या कोई बाहर की पर्सन नहीं है, प्रेसिडेंट हमारे देश का ही होता है। ठीक है, हम ही इनडायरेक्टली वोट करके उनको चुन के लेके आते। तो इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, तो वियना कॉन्वेंशन जो है उन्हीं देशों के लिए है। द कन्वेंशन हैज़ बीन रेटिफाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट एंड इट एंड इट्स कंसिडर्ड अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो ये जो कन्वेंशन है ये कन्वेंशन रेटिफाई किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, बहुत सारे देशों ने। तो एज पर माई इंफॉर्मेशन 116 कंट्री ने अभी तक इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है, या एज अ जो भी इसके नियम है उसको लागू किया है। ठीक है, और कंसिडर एज अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, और इन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इस कन्वेंशन के अंडर, ठीक है, इस सम्मेलन के अंडर, वो सभी लॉज को इंटरनेशनल लॉ के अंडर देखा जाता है। ठीक है, कि हम जो भी जितने भी कंट्रीज है दुनिया में, ठीक है, वो कंट्रीज सब आके इन्होंने माना है कि ये एक हम इस तरह से मानेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। वियना कॉन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो अभी इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने किया था कि उन्होंने हर चीज पे अपने अलग अलग रूल्स बनाए, जैसे कि एग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए कंट्रीज के बीच में। ठीक है, अगर कोई कोई जो देश है उसके अगर ट्रीटी होती है, ट्रीटी मतलब कि ट्रीटी मतलब एक ऐसा समझौता जो दो कंट्री के बीच में होगा, स्पेशली ट्रेड को लेके। ठीक है, तो उसके लिए रूल्स कैसे बनेंगे। ठीक है, अगर कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो उसको किस तरह से हम देखेंगे। तो हर टॉपिक के लिए इन्होंने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इस कन्वेंशन के अंडर। तो वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे होने चाहिए। डिप्लोमेटिक मतलब एक वर्ड है डिप्लोमैट, ठीक है, तो डिप्लोमैट मतलब क्या होता है, कि डिप्लोमैट मतलब कि एक देश का दूसरे देश में कोई रिप्रेजेंटेटिव होना। ठीक है, जैसे कि इंडिया का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में जाता है, ठीक है, और वो हमारे कंट्री के लिए बात करता है, ठीक है, इंडिया के लिए बात करता है, तो वो हो जाएगा इंडिया का डिप्लोमैट। ठीक है, तो वो होता है डिप्लोमैट। और इससे रिगार्डिंग कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सभी इस कन्वेंशन में बताए गए। ठीक है, अब हम उस रूल्स को देखते हैं, क्योंकि हम क्यों देख रहे हैं ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस वाले, क्योंकि ये इस केस में लागू पड़ता है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेक्सिको का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो इक्वाडोर में था, राइट, और वो क्या है, डिप्लोमेट है, राइट। तो अभी उसके ही बारे में हम जानेंगे कि कौन से रूल्स है जो इक्वाडोर ने तोड़े हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कौन से रूल्स है बेसिकली इन्होंने जो तोड़े। ठीक है, तो क्या है, डिप्लोमेट इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द होस्ट कंट्री कोर्ट एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो जो लोग, ठीक है, डिप्लोमेट के तहत पे रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो मेक्सिको में रहता है, ठीक है, वहाँ के एम्बेसी में रहता है, ठीक है, वो इंडिया के गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, तो ये पर्सन हो गया है डिप्लोमैट। ठीक है,
जो वहां पे काम करेगा, ठीक है। तो इस पर्सन को कौन से अधिकार है? उसको अधिकार है कि जो भी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, जो भी क्षेत्र है कहाँ पे, होस्ट कंट्री का, तो होस्ट कंट्री कौन सी है? मेक्सिको, ठीक है, मतलब जिस देश में रहता है, ठीक है, वहाँ का कोर्ट और वहाँ की जो भी अथॉरिटीज है उसके साथ ये बातचीत कर सकता है, ठीक है। एम्बेसीज प्रीमाइसेस, ठीक है, एम्बेसीज डिप्लोमेटिक प्रीमाइसेस, एम्बेसीज कंसुलेट आर इनवॉयलेट एंड कैन नॉट बी एंटर्ड बाय द होस्ट कंट्री विदाउट परमिशन। अब सबसे बड़ा जो रूल्स रूल तोड़ा गया है तो ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो इस कन्वेंशन के तहत क्या बोला गया है कि जो प्रीमाइसेस है, ठीक है, प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है? जो भी परिसर है या जो भी एरिया है, ठीक है, डिप्लोमेटिक का, तो मतलब कि अभी मान लो कि मेक्सिको में इंडिया की क्या है? एम्बेसी है, ठीक है। अभी एम्बेसी है, कोई एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, और जो जो एरिया है वो इंडिया को दिया गया है मेक्सिको में, ठीक है, तो ये एरिया कहलाएगा एम्बेसी, ठीक है। तो अगर इस एरिया में मेक्सिको को अगर एंट्री करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, और विदाउट परमिशन आप कहीं पे मतलब आ नहीं सकते, इवन इफ वो मेक्सिको में ही है, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि जैसे कि मेक्सिको में इंडिया की क्या है? एम्बेसी है, ठीक है, उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया है हमारा ऑफिस इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी अलग अलग हमारे जो भी क्षेत्र होगी उसके मान लो यहाँ पे ऑफिसेस है, ठीक है, और ये पूरा एरिया इंडिया के एम्बेसी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया में मेक्सिको का भी कोई घुस नहीं सकता जब तक आपके पास कोई प्रॉपर परमिशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रिमाइसिस है मतलब ये जो एरिया है या जो भी परिसर है, ठीक है, इसको एम्बेसी या कंसुलेट दोनों बोलते हैं, ठीक है, आर इनवॉयलेट एंड कैन नॉट बी एंटर बाय द होस्ट कंट्री विदाउट परमिशन, ठीक है। तो जो भी कंट्री है, जिस भी कंट्री में वो हमारे ऑफिसेस है, वहां पे विदाउट परमिशन कोई घुस नहीं सकता। डिप्लोमैट मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू अरेस्ट और डिटेंशन अनलेस इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस एंड विथ प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी डिप्लोमैट्स होते हैं, जो ये एम्बेसीज में काम करने वाले जो भी लोग होते हैं, ठीक है, वो उनको कोई भी अरेस्ट भी नहीं कर सकता और डिटेंशन में भी नहीं ले सकता, कब तक? जब तक बहुत ही खराब सिचुएशन नहीं है, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा जो भी चीजें हैं वो खराब ना हो जाए, ठीक है, या उसका परिणाम गंदा ना हो या गलत ना हो, ठीक है। अरेस्ट मतलब क्या होता है कि किसी के पास प्रूफ होना कि कुछ गलती हुई है, ठीक है, और जिसके जिसके बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जाएगा। डिटेंशन मतलब होता है कि आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट है और इसलिए आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज है, और ये दोनों चीजें वो नहीं कर सकते जब तक बहुत ज्यादा उसका परिणाम नहीं होता, विथ प्रॉपर प्रोसीजर। और अगर कुछ भी, अगर किसी को अरेस्ट भी करना है तो आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन ली जाएगी, दोनों देशों को दिखाया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, उसी के ही बाद अरेस्ट या डिटेंशन किया जा सकता है। डिप्लोमेट्स हैव राइट टू कम्युनिकेट फ्रीली विथ देयर गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो डिप्लोमेट्स है, ठीक है, जो भी लोग हैं जो एम्बेसीज में काम करते हैं, उन लोगों को पूरा अधिकार है कि उनके जो देश के गवर्नमेंट है उनके साथ वो कभी भी बात कर सकते हैं,
ठीक है, वाइल डिप्लोमेट्स हैव इम्यूनिटी दे आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द होस्ट कंट्री। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे कि डिप्लोमेट इम्यूनिटी मतलब उनका क्या है, उनके हाथ में है या उनके अधिकारों में है कि जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश के उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। ठीक है, तो ये उनके उनके हाथ में है कि उनको उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना है या नहीं मानना। ठीक है, डिप्लोमेट मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द होस्ट कंट्री। ठीक है, तो जिस देश में वो पर्सन रह रहे हैं, ठीक है, उनको जो भी इंटरनल अगर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे किसी को इंटरफेयर नहीं करना है, मतलब उसमें आप कुछ भी बात नहीं करना। आप जिस भी देश में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे कौन सी क्या चल रहा है उनको कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ उनको अपना देश और जिस देश में रह रहे हैं उनके रिलेशंस के बारे में सोचना है। डिप्लोमेट्स हैव ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ देयर सेंडिंग स्टेट एंड इट्स नेशन। ठीक है, तो जो भी डिप्लोमेट्स हैं उनका ये कर्तव्य है कि जिस देश से उनको भेजा गया है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करे। जैसे कि कोई अगर यूएसए इंडिया में आया है यूएसए से, ठीक है, तो उसका ये कर्तव्य रहेगा कि यूएसए किस तरह से काम करना चाहता है इंडिया के साथ, इसके ऊपर उसका फोकस रहे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे या कुछ नियम थे जो वियना कन्वेंशन के अंडर दिया गया था डिप्लोमेट्स को। तो आपको समझ में आ गया ये जो भी हमने पॉइंट्स कवर किए कि क्या क्या एक डिप्लोमेट कर सकता है, ठीक है, उसके क्या क्या लिमिटेशंस होता है और क्या क्या उसके पास अधिकार है, तो हमने ये देखा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछिए। डिप्लोमेट तो समझ में आया ना कौन होता है, ठीक है, जो लोग दूतावास में काम करते, ठीक है, नॉट ओनली इन दूतावास पर कोई भी कंट्री के लिए दूसरे कंट्री से आते हैं तो वो सभी कौन होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं। ठीक है, और उनको कुछ अधिकार दिए हैं, ठीक है, और उस अधिकार के तहत अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि उनको क्या क्या अधिकार है इस कन्वेंशन के अंडर। ठीक है, अभी रूल तोड़ा गया है, ठीक है, हमने देखा हमारा सेकंड ही ऐसा था कि डिप्लोमेटिक प्रीमाइसेस में मतलब जिस भी एरिया में ये लोग रहते हैं वहाँ पे कोई भी होस्ट कंट्री का विदाउट परमिशन से नहीं जा सकता। ठीक है, और यही बात इक्वाडोर ने नहीं मानी, ठीक है, वहाँ पे रेड कर दिए। ठीक है, अभी इसी कन्वेंशन के तहत अभी वो क्या करने वाले हैं, केस करने वाले। अब ये केस कहाँ पे होगा, ये होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सॉरी, मैंने आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोला था, ठीक है, वो आईसीसी होता है। ठीक है, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये क्या है, ये है, इट इज प्रिंसिपल जुडिशियर ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है, किसका, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो हमने संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमेशा पढ़ा है। ठीक है, जो 1945 में जिसकी स्थापना हुई थी ताकि दुनिया में क्या रहे, शांति प्रस्तापित रहे। तो यूएन एक बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है और उसके अंडर अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, हमारे कुछ ऑर्गन्स है यूएन के और कुछ एजेंसीज है। ठीक है, आपने हमने उस दिन एक एजेंसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक एजेंसी है। ठीक है, और एजेंसी बहुत सारी है और इसके कुछ ऑर्गन्स है, वो है 600 का। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे।
इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1945 बाय यूनाइटेड नेशन एंड बिगन वर्क इन 1946। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी वो 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसका काम जो है वो 1946 में शुरू हुआ। द सीट ऑफ द कोर्ट इज एट हेग, नेदरलैंड्स, वन ऑफ द सिक्स ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इट इज ओनली वन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो अभी ये जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं आईसीजे, ठीक है, ये जो है ये हेग में है। हेग कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है, अभी हमने कॉन्टिनेंट पढ़ा था, उस यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, और कंट्री है नेदरलैंड्स। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो सिक्स ऑर्गन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सभी के सभी न्यूयॉर्क में है। अब न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका। ठीक है, पर्टिकुलरली है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक ही ऑर्गन है जो यूएसए में नहीं है, वो है आईसीजे। ठीक है, जो अभी हेग में है और ये वहां पे ही काम करता है, हेग में, मतलब हेग में उसका हेड ऑफिस है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी होता है, मतलब आपको नहीं, ठीक है, पर्सनल जो भी रीजंस है उसके लिए हमारे कोर्ट है हमारे हमारे कंट्री में। ठीक है, अगर इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, ठीक है, गाजा और पैलेस्टाइन का जो भी इशू हुआ था, उसके बाद ये जो इशू है जिसमें मेक्सिको और इक्वेडो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा स्ट्रेसफुल रिलेशंस हो गए, तो ये जो भी इशू है जो इंटरनेशनल इशू है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ हो रहा है, ये इशू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। ठीक है, और इसका जो ऑफिस है वो है हेग में। ठीक है, और जो कि नेदरलैंड में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी और माइनर इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम यूजुअली ध्यान नहीं देते। ठीक है, बाकी जो अदर ऑर्गन्स है वो सभी न्यूयॉर्क में आते। तो कोर्ट रोल इज टू, अब काम क्या है इस कोर्ट का, काम क्या है? तो कोर्ट रोल इज टू सेटल इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाई इट स्टेट। ठीक है, तो इनका काम क्या है, जो भी इंटरनेशनल लॉज है, ठीक है, उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके तहत कोई भी प्रॉब्लम जो आता है वो किस तरह से इस रूल्स को तोड़ रहा है, रेगुलेशन को तोड़ रहा है, उसको देखता है। ठीक है, एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी लीगल क्वेश्चंस आता है, ठीक है, लैंड का ले लो या अधिकार का ले लो, ये सभी चीज के ऊपर ये क्या देती है, एडवाइस देती है। रेफर टू इट बाय ऑथराइज यूनाइटेड नेशन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज एजेंसी। ठीक है, तो जो भी हमारी ये जैसे कि WHO है, यूनिसेफ है, ये जो अलग अलग एजेंसीज है, इनके तरफ से जो भी अगर चीज़ें रेफर की जाती है आईसीजे में कि कुछ गलत हो रहा है, इसके ऊपर काम होना चाहिए, तो ये जो आईसीजे है वो उसके ऊपर काम करता है। द कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। ठीक है, एंड इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, तो ये जो आईसीजे है उसमें 15 जजेस है। ठीक है, और ये दो लैंग्वेज में मेनली काम करता है, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। ठीक है, और यहाँ पे अभी ये जो जो भी हुआ है मेक्सिको के एम्बेसी में, वहाँ पे जाएगा ये केस। अब इसके सिक्स ऑर्गन जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूएन जनरल असेंबली, ठीक है, इसके बारे में हमने क्लास ली थी। यूएन सेक्रेटेरिएट,
फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल। ठीक है, अभी के लिए ये जो है ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है, फंक्शनल नहीं है, ठीक है, या एक्टिव नहीं है, ठीक है, बट बाकी जो जो पांच ऑर्गन्स है वो कम्प्लीटली एक्टिव है। ठीक है, प्लीज गूगल कीजिए और देखिए कि इनके काम क्या है, और हमारा पुराना भी क्लास है इसके ऊपर जो पूरा इसको एक्सप्लेन करता है कि इनके क्या क्या काम। ठीक है, और अभी हम इसके ही बारे में पढ़े, ये वाला जो है उसके बारे में पढ़े। ये क्लियर है आपको? प्लीज पूछिए अगर यहाँ से कुछ नहीं समझा तो, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है तभी आप एडिटोरियल समझ पाओ। तो अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो प्लीज पूछो। आईसीजे क्लियर है? ओके, आईसीजे क्लियर है। इज देयर एनीथिंग जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया जिसको रिपीट करना चाहिए, प्लीज पूछिए। तो अभी हम जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने बोला इक्वेडो है, जो है साउथ अमेरिका में, जो आपको यहाँ पे छोटा सा कंट्री दिख रहा है, ठीक है, जो जिसके नीचे पेरू नाम का कंट्री है, फिर कोलंबिया है, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कौन सा है? हाँ, तो कोर्ट का फंक्शन क्या है, ठीक है, या काम क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बता रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत, ठीक है, जो भी कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उसके तहत जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होंगी, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कहाँ पे, आईसीजे में, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है और किसी भी स्टेट के द्वारा आता है, स्टेट के द्वारा मतलब यहाँ पे बोल रहा है कंट्री, ठीक है, वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, या चाइना हो, कोई भी देश अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है आईसीजे में, ठीक है, तो वो उस उनके लिए पैरामीटर कौन से रहेंगे? पैरामीटर मतलब कि कुछ चीज गलत है या सही, ये जानने के लिए हमारे पास लॉ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो कि अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो हम तभी देख पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल्स को माना जा रहा है या तोड़ा जा रहा है। तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पैरामीटर है कोर्ट के लिए, ठीक है, तो वैसे ही आईसीजे के लिए है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, जो अलग अलग कन्वेंशन के अंडर बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी कंट्री अगर कुछ भी आता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, इसके साथ साथ वो एडवाइजरी ओपिनियन भी देते हैं, मतलब कि किसी को अगर सलाह देनी है, ठीक है, या किसी को कुछ सजेस्ट करना है, तो वो भी काम ये कोर्ट करती है। ठीक है, और ये एडवाइजरी वो किनको देते हैं, ऑन लीगल क्वेश्चन रेफर्ड टू बाय ऑथराइज यूएन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज एजेंसी। ठीक है, तो वो एडवाइजरी उनको देते हैं जो इनके ऑर्गन्स है और इनकी जो एजेंसीज है। ठीक है, तो हमने ये तो ऑर्गन्स है इनके अलग अलग, ये जो छह ऑर्गन्स है, ठीक है, और इस कोर्ट को छोड़ के पांच ऑर्गन्स, ठीक है, और इनकी जो भी एजेंसीज है, जो हम हमेशा कभी ना कभी जो भी अलग अलग एजेंसीज है यूएन की, वो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इन सबके द्वारा जो भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, लीगल क्वेश्चन है, इनके द्वारा अगर सबमिट किया गया आईसीजे को, तो वो लोग उनको एडवाइस देते हैं। ठीक है, अब दो चीज है, एक है अगर कोई प्रॉब्लम आता है किसी कंट्री के द्वारा, ठीक है, तो उनको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी अंतरराष्ट्रीय कानून है उसके द्वारा।
दूसरा है वो एडवाइजरी अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है, किसको, उनकी जो एजेंसीज है उनको और उनके जो ऑर्गन्स है उनको। अभी समझ में आया आपको? तो हम देख रहे थे कि हमारा जो साउथ अमेरिका है ठीक है वो हम देख रहे थे ठीक है। अब जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो इक्वेडो यहाँ पे ठीक है, और ज़्यादा कंट्रीज नहीं है साउथ अमेरिका में ठीक है। कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, पेरू है, बोलिविया है, पैराग्वे है ठीक है, पैराग्वे, यूरेगे, अर्जेंटीना, चिले, डीजर सब बहुत मतलब ज़्यादा कंट्रीज नहीं है, बट इट इज अ ह्यूज एरिया ठीक है। और ये जो है ये नेचुरल रिसोर्सेस इनके पास बहुत ज़्यादा है ठीक है। तो ये था साउथ अमेरिका, जहाँ पे आज हम इस एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वेडो ठीक है। प्लीज आप खुद से जाके गूगल कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज है, साउथ अमेरिका में कौन से कंट्रीज है ठीक है, कौन सा कंट्री कहाँ पे आता है। प्लीज देखिए, इक्वेडोर्स रेड ऑन 5 अप्रैल एट मेक्सिको एम्बेसी इन क्यूटो ब्रोक द रूल्स ऑफ वियन्ना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक है। तो ये क्या बोल रहे कि 5 अप्रैल को ठीक है इक्वेडो ने क्या किया था, रेड की थी मतलब छापा डाला था ठीक है। और ये जो जो भी इन्होंने प्रोसेस किया या जो भी एक्शन लिया उससे क्या हुआ, ये जो वियन्ना कॉन्वेंशन था ठीक है, हमने देखा कि कन्वेंशन में क्या क्या दिया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर, हमने एक एक चीज डिटेल में पढ़ी, उस रोल को तोड़ दिया ठीक है। अब ये रेड क्यों की गई थी ठीक है, द रेड वॉज टू अरेस्ट जॉर्ज डेविस ग्लैस, अ फार्मर वाइस प्रेसिडेंट एंड फार्मर प्रेसिडेंट राफेल कोरिया ठीक है। तो दो पर्सन के लिए ये रेड की थी बेसिकली ठीक है। तो पहले के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ठीक है उनको पकड़ने के लिए, और जो प्रेसिडेंट थे उनको पकड़ने के लिए ठीक है, हु हैज बीन सेंटेंस फॉर करप्शन ठीक है। तो इन दोनों को क्या हुआ है, करप्शन के लिए इनको सजा मिली है। अकॉर्डिंग टू बोथ द केसेस अगेंस्ट देम आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो दो दो लोग हैं ठीक है, एक है जॉर्ज ग्लास ठीक है और दूसरा है राफेल कोरिया, ये दोनों का कहना ऐसा है कि ये हमने कोई गलती नहीं की है ठीक है, हमको सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि हम लास्ट ईयर में क्या थे, हम प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे। पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई भी क्राइम करना ठीक है, एक एक टाइप है क्राइम का पॉलिटिकल मोटिवेटेड, मतलब कि किसी को राजनीतिक फायदा होने के लिए हम किसी को अरेस्ट करवाना ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है कंट्रीज में ठीक है। जब भी आप कोई रूलिंग गवर्नमेंट आती है तो उनके अगेंस्ट में जो अपोजिशंस होता है उनको वो जनरली क्या करते हैं, किसी ना किसी चार्ज के अगेंस्ट उनको अरेस्ट करवाते हैं ताकि वो बात ना कर सके, लोगों को भड़का ना सके, मतलब भड़का ना सके मतलब कि दो चीज़ें, भड़काना भी आता है और रियलिटी पे बात ना कर सके। और ऐसा ऐसा भी होता है कि बेसिकली जो अपोजिशन है उसको ख़त्म करने के लिए ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो भी क्राइम है वो किया जाता है। तो सेम इन दोनों का कहना है कि हमने कुछ क्राइम नहीं किया है ठीक है, हमने हमारे अगेंस्ट इसलिए केस किया गया है क्योंकि हम लास्ट ईयर जो भी प्रेसिडेंट थे इसलिए, और वो हमको ख़त्म करना चाहते हैं। टेंशंस वेर हाई बिटवीन टू कंट्रीज ठीक है, अभी क्योंकि अभी मेक्सिको भी इसमें इन्वॉल्व है ठीक है, जो जिसके ऊपर सेंटेंस है, जिसको पनिशमेंट मिली है, जिसके थ्रू मिली है, एक ही कंट्री के है वो है इक्वेडो
ठीक है, बट जहाँ पे छुपने गए हो वो है मेक्सिको की एजेंसी एम्बेसी। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि दो कंट्रीज के बीच में अभी थोड़ा स्ट्रेस आने लगा है, ठीक है। टेंशन वेयर हाई बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर ग्लास टू रेफ्यूज इन मेक्सिको एजेंसी इन क्यूटो इन दिसंबर, ठीक है। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, मिस्टर ग्लास, ये दिसंबर से कहाँ पे है, मेक्सिको एजेंसी में क्या, एम्बेसी में क्या है, छुपे हुए, ठीक है। रिफ्यूज मतलब होता है, रिफ्यूजी मतलब होता है कि आपको खुद को बचाने के लिए आप कहीं पे जाके छुप जाते हो, ठीक है। उसको शरणार्थी बोलते हैं, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली एक देश से बचने के लिए आप दूसरे देश की मदद लेते हो, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी। अब मिस्टर ग्लास ने खुद को बचाने के लिए वो मेक्सिको एम्बेसी में गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो किसी भी दूसरे देश के एम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ पे कोई विदाउट परमिशन नहीं आ सकता, ठीक है। और इसलिए वो दिसंबर से वहाँ पे छुपे हैं। अ मंथ लेटर मिस्टर नोएबा नोबोआ टुक ऑफिस, मतलब कि देखो 2023 में इलेक्शंस हुए, ठीक है, कहाँ पे, इक्वेडो में। और जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे तब तक मिस्टर ग्लास और मिस्टर रोइया ये दोनों वहाँ पे क्या थे, रूलिंग गवर्नमेंट थे, रूलिंग गवर्नमेंट में थे। जैसे ही इलेक्शंस हुए और रिजल्ट आया तो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं नोबोआ, ठीक है। और जैसे ही नोबोआ प्रेसिडेंट बने वैसे ही ये जो मिस्टर ग्लास है वो जो मेक्सिकन जो एम्बेसी है वहाँ पे जाके छुप गए। इक्वेडो एक्सपेल्ड मेक्सिकोज अम्बेसडर आफ्टर क्रिटिसिज्म फ्रॉम मेक्सिकोज प्रेसिडेंट रिगार्डिंग इक्वेडो 2023 इलेक्शन, ठीक है। तो 2023 में जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, अभी इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि एक प्रेसिडेंशियल क्या था, कैंडिडेट था, मतलब जो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। जिनका नाम था फर्नांडो विला विला विरजादे, अच्छा कुछ था, देखो इनका नाम अलग है, ठीक है। तो ये थे। अब इनका एक बहुत ही पॉपुलैरिटी थी, या कहीं पे लग रहा था कि इनके इनके लिए हवा बहेंगी या लोग इनको वोट देंगे, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, हत्या हो गई, ठीक है। 2023 में इलेक्शन होने से ही पहले उनकी हत्या हो गई, असैसिनेशन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ज्यादातर जो वोट थे वो आए इन सर को, ठीक है, ये जो अभी के प्रेसिडेंट है उनको, ठीक है। अब उस इलेक्शन के दौरान क्या हुआ था कि सबको समझ में आ गया था कि इस सबके सब एक्शन के पीछे किसका हाथ है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग क्या किया था, वहां के जो मेक्सिको के जो अम्बेसडर थे, ठीक है, जो एम्बेसी में काम करते थे, उन्होंने इस चीज की आलोचना की थी कि ये जो चीज है या जो भी बात है ये गलत है या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जैसे ही उन्होंने कुछ बात की इसलिए उनको वहां से निकाल दिया गया, ठीक है, मेक्सिको की जो एम्बेसी थी वहां से निकाल दिया गया। और तभी से ही थोड़ा सा रिलेशन जो है मेक्सिको और इक्वेडो के बीच में थोड़ा सा तनावपूर्ण रहा है, ठीक है। मेक्सिको डिसीजन टू ग्रांट असाइलम मिस्टर ग्लास फर्दर स्ट्रेन रिलेशन, ठीक है। और पहले उन्होंने तो क्रिटिसिज्म किया, आलोचना की, ठीक है, इनकी, ठीक है, जैसे इलेक्शंस हुआ या जैसे असेसिनेशन हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मिस्टर ग्लास को वहां पे क्या दिया, असाइलम दिया। असाइलम मतलब कि किसी किसी की जान बचाने के लिए कोई दूसरा कंट्री मदद करता है, दूसरे एरिया में आप जाके क्या करते हो, मदद करते हो, उसको बोलते हैं असाइलम। तो मिस्टर ग्लास को क्या दिया, असाइलम दिया, शरणार्थी दी, ठीक
ठीक है, या जगह दी, इसके वजह से और भी दोनों के बीच में तनाव आ गया। ठीक है, मतलब एक चीज के वजह से ऑलरेडी वो खुश नहीं थे, अब उन्होंने दूसरी चीज भी की, स्पार्किंग आउट क्राई फ्रॉम द इक्वेडो। आउट एक वर्ड है, आउट का क्राई, आउट क्राई मतलब कि अब बहुत ही दोनों देश में गड़बड़ हो रही है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है, ठीक है, अब सब नाराज है, ऐसी टाइप की सिचुएशन जिसको हम बोल सकते हैं हाहाकार हिंदी में। ठीक है, तो इनके बीच अभी क्या हो रहा है कि ऑलरेडी आपके जो रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए, और उसके वजह से अभी क्या हुआ, बहुत हाहाकार बाहर उड़ा है। स्पार्किंग मतलब कि आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, एक वायर दूसरे वायर को टच होता है तो वहां से क्या निकलता है, आप देखते हो थोड़ा ऐसे जैसे कुछ जल रहा हो, ठीक है, स्पार्क होता है। तो मतलब ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, और भी आप कुछ एक्शन ले रहे हो जिससे और भी जो रिलेशंस है वो खराब हो रहे, विच डीम टू मूव लीगल इलीगल गिवन बाय मिस्टर ग्लास लीगल इंटालजमेंट इन द कंट्री। ठीक है, और ये और भी ऐसे लग रहा है कि ये मूव जो है, ठीक है, अब देखो कुछ भी हो करप्शन के चार्जेस हैं, ठीक है, उसका एक प्रोसीजर होगा, उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट होना है, वो होगी। ठीक है, अब ये जो आप क्या कर रहे हो, किसी ऑलरेडी किसी ने कुछ पनिशमेंट की है, सॉरी कुछ गलती की है, और उसको आप छिपा रहे हो, कहीं पे जगह दे रहे हो, दिस इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, और पर्टिकुलरली मेक्सिको ने भी इस सब चीज़ में एम्बेसी के थ्रू नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो हेल्प करना चाहते हैं तो देर कुछ ना कुछ वे होंगे, बट ये वैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है कि इंटालजमेंट मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहां से आप अभी निकल ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब कि आपने ऑलरेडी दो गलतियां कर दी है। ठीक है, आप एक तो मतलब अब अगर हम दोनों तरफ से देखते हैं, मेक्सिको से तरफ से देखते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी क्रिटिसिज्म कर लिया, उन्होंने मतलब उनको भी अधिकार नहीं है कि किसी इंटरनल इशू के बीच में उनको बात करना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि आप जिसको ऑलरेडी सेंटेंस दी गई है, ठीक है, पनिशमेंट दी है, उसको बचाने के लिए आप इन्वॉल्व हुए। ठीक है, अब ये हो गया मेक्सिको का तरफ से। ठीक है, दूसरा है ग्लास का ये है कि उन्होंने उनके ऊपर सेंटेंस है। ठीक है, और बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे ऑलरेडी ग्लास इंगेज है। ठीक है, ही इज वाइस प्रेसिडेंट और उनका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है कंट्री के अंडर। ठीक है, तो अब ये दोनों के लिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, नाजुक सिचुएशन है, इसको हैंडल करना बहुत ही नाजुक है। ठीक है, subsequently इक्वेडोर डिस्पैच आर्म पुलिस ऑफिसर्स टू द एम्बेसी। अब इसके ही साथ अब इक्वेडोर ने क्या किया, आर्म पुलिसेस भेज दिए। ठीक है, ऑलरेडी एम्बेसी के बीच में विदाउट परमिशन जाना किसी को अलाउ नहीं है। ठीक है, वी हैव टू टेक अ प्रॉपर परमिशन, देन आपको जाना होता है। बट आप परमिशन तो छोड़ो, आप आम जो भी हथियार है उसके साथ आप अंदर गए हो, एस्केलेटिंग टेंशन एंड प्रॉम्प्टिंग अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक क्राइसिस। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो टेंशन थी दोनों के बीच में वो एस्केलेट हुई। एस्केलेट मतलब कि पहले थोड़ी थी, अब और भी बढ़ गई। ठीक है, आप गाड़ी को देखते हो एस्केलेटर, ठीक है, आप जैसे उसको बढ़ाते हो तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ता है। ठीक है, एस्केलेट यहाँ पे उसका मीनिंग है कि कुछ चीज जो पहले कम थी अब और भी बढ़ गई है। ठीक है, और क्योंकि अभी आम पुलिसेस उसमें इन्वॉल्व हो गई है, मेक्सिको असर्टिंग अ ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि
ये जो मेक्सिको जो कंट्री है वो बोल रही है कि आपने सॉवरनिटी का क्या किया है, ब्रीच किया। ब्रीच करना मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, ठीक है। कोई जो लॉ है उसको तोड़ा जाना, ठीक है। हैज टेकन द मैटर टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये क्या बोले कि ये जो जो भी सिचुएशन है, ये जो जो भी कुछ हुआ है, इस सबको हम कोर्ट लेके जाएंगे, ठीक है, आईसीजे में लेके जाएंगे, डिमांडिंग इक्वेडो एक्सपल्शन फ्रॉम यूएन। और ये बोल रहे हैं कि एक जो इक्वेडो का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम हमको सबक सिखाने के लिए हमको उसको एक्सपल्शन करना पड़ेगा। एक्सपल्शन मतलब होता है कि आपको निकाला जाएगा, आप किसी चीज का भाग है और आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि यूएन एक एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसमें दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है वो ऑलमोस्ट उसके भाग है, हिस्सा है, ठीक है। अब उसका हिस्सा है मतलब कि कुछ भी होता है तो वो हमको हेल्प करेगा। हमने शुरुआत में ही देखा था कि अगर यूएन का स्थापना ही इसलिए हुई थी ताकि ये एक दूसरे को हेल्प कर सके, राइट। तो इक्वेडो एक ऐसा नहीं कि बहुत डेवलप कंट्री है, सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। ही नीड्स लॉट ऑफ हेल्प, ठीक है। तो यूएन का बहुत बड़ा हाथ होता है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन उनमें, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या इक्वेडो जैसी कंट्री, ठीक है। तो अभी मेक्सिको डिमांड कर रहा है कि आपको क्या करना है, इक्वेडो को क्या करना है, यूएन से निकाल देना, ठीक है, क्योंकि दे ब्रिच और लॉ, मतलब उन्होंने क्या किया है, सॉवरनिटी जो भी कानून है उसको तोड़ा है। द क्रिटिसिज्म एम्स एट प्रेसिडेंट नोबोआ रिगार्डिंग एस्केलेटिंग गैंग वायलेंस, ठीक है। अब जो ये कंट्री है इक्वेड, अब इसका इशू भी एक अलग ही हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट का बहुत इशू है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि पावर में आए, ठीक है। गैंग वायलेंस बहुत ही कॉमन है, ठीक है। गैंग वायलेंस मतलब कि आप जो भी हिंसा है वो ग्रुप ग्रुप में आके करते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे कि गैंग्स होती है, ठीक है। एक एक गैंग होती है जो दूसरे गैंग को हमेशा परेशान करती है, दूसरी गैंग फिर खुद को प्रोटेक्ट करती है, और इसके थ्रू जो दूसरे लोग हैं उनको बहुत सहना पड़ता है, ठीक है, उनको बहुत इश्यू होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इक्वेडो में है, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट है अभी के नोबोआ, उन्होंने ऑलरेडी इस गैंग वायलेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ऐसी आलोचना है। कॉन्ट्रेडिक्टरी, ही केम टू पावर प्रॉमिसिंग टू टैकल करप्शन एंड गैंग वायलेंस, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इलेक्शन हुआ था 2023 में, ठीक है, उस टाइम इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, जो भी करप्शन है उसको हम टैकल करेंगे, टैकल मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है, या खत्म करेंगे। और जो गैंग वायलेंस है, जो अलग अलग गैंग के द्वारा किया जाता है, उसको भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के थ्रू वो क्या बने थे, इसी वादे के ऊपर ये इलेक्शन जीत के आए थे। इन्होंने बोला कि जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं क्या करूँगा, करप्शन और वायलेंस को, गैंग वायलेंस को खत्म करूँगा। बट एग्जैक्ट इन्होंने अपोजिट किया, कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब कि विरोधाभास। आप जिस चीज को खत्म करने के लिए आए थे वो चीज आप खत्म नहीं कर पाए, उल्टा आपने बढ़ा दिया। लास्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वॉज मार्च बाय डेडली वायलेंस, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था इक्वेडो में, उसमें बहुत ज्यादा देखा था डेडली वायलेंस, ठीक है, मतलब लोगों की जान गई थी, इतना वायलेंस किया गया था। द सिचुएशन इज सो बैड इन इक्वेडो दैट ड्यूरिंग द ईस्टर वीकेंड द कंट्री ऑफ 18 मिलियन पीपल सॉ ओवर 100 मर्डर्स, ठीक है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 18 मिलियन है, ठीक है। और जब अब
सिचुएशन इतनी गंदी है, वो बताने की कोशिश कर रहा है एडिटोरियल, कि सिचुएशन इतनी गंदी है कहा कि इक्वेडोर की, अभी जो ईस्टर वीकेंड आया था, ठीक है, मतलब एक क्रिश्चियनिटी में एक फेस्टिवल होता है जो बेसिकली गुड फ्राइडे को होता है, आपने गुड फ्राइडे सुना होगा, ठीक है। गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन आई थिंक जो जीसस क्राइस्ट थे उनको उनको क्रूसीफाई किया था, क्रूसीफाई मतलब उनको सूली पे चढ़ाया था, ठीक है, और उसी दिन को एज ए ईस्टर डे करके भी वो सेलिब्रेट करते, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में। उस टाइम पे वीकेंड्स होता है उनका, बहुत बड़ा वीकेंड होता है, ठीक है, और सबको हॉलीडे रहता है ताकि वो ईस्टर डेज को सेलिब्रेट कर सके। तो उस टाइम पे फिर अभी यहाँ का जो पॉपुलेशन है इक्वेडो का सिर्फ 18 मिलियन है, ठीक है, उस टाइम पे इस कितने लोग 100 मर्डर्स को देखा गया है। ये जो अभी वैकेशन आया था, क्रिटिक्स से मिस्टर नोबोआ इज अ यूजिंग डिप्लोमेटिक क्राइसिस विथ मेक्सिको टू स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल फॉर्चून। अब ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी वो प्रेसिडेंट बन के आए हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि गैंग वायलेंस खत्म हो, करप्शन खत्म हो, ठीक है, बट वो खत्म करने के लिए उतने स्टेप्स नहीं ले रहे, ठीक है। अब जो पहले के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे दोनों करप्शन के चार्जेस में आ गए हैं, ठीक है, अब इसी चीज का वो इश्यू बना के अपना जो राजनीतिक जो भी गद्दी है वो सुरक्षित करना चाहते, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो दो चीज़ों से बेसिकली जीत के आता है, पर्टिकुलरली एक से आना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हो, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको लोग अपने आप चुन के देंगे, ठीक है। इसी पे ही बेसिस हम पे हम जीत के आते हैं लोग, ठीक है। बट बहुत बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर क्या करते हैं, जो दूसरे अपोनेंट जो लोग हैं उनको नीचा दिखा के, ठीक है, वो खुद ऊपर आते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे यही हो रही है कि उनके उनको टारगेट करके, ठीक है, ये अपना जो भी इलेक्शंस को या अपनी जो गद्दी है उसको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर इन द वॉर अगेंस्ट ऑर्गेनाइज वायलेंस, ठीक है। तो अभी ये जो है मिस्टर प्रेसिडेंट, ठीक है, उनको ये बोल रहे हैं कि आपको बहुत जरूरी है कि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ठीक है, या ऑर्गेनाइज वायलेंस है, ऑर्गेनाइज मतलब कि पूरा प्लान किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज करनी है, कौन क्या करेगा, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, ठीक है। क्राइम दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है कि कुछ चीज को रिएक्शन के तौर पे वो क्राइम होता है, ठीक है, कोई चीज, और एक क्राइम होता है कि उसको कराया जाता है, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, और जो कि एक्वाडोर में बहुत ही कॉमन है। तो बोल रहे हैं एडिटोरियल कि इनको ऐसे स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, ऐसे एक्शन लेनी चाहिए ताकि ये जो वॉर अगेंस्ट वायलेंस है, ऑर्गेनाइज वायलेंस है, वो खत्म हो, ठीक है, ये जो आपकी आपकी जंग छेड़ी है, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको खत्म कर सके। बट इट शुड डू नॉट दैट फ्रॉम विद इन लिमिट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ एक आप आपके देश के ही लिमिटेड में रहो, ठीक है, या जो भी डोमेस्टिक लॉज है उसके लिमिट में, मतलब कि ऐसा ना हो कि जो भी लॉज है आप उसको ब्रेक करते जा रहे हो, ठीक है, और जो मन में आए वैसे करें, ठीक है। आपने आपके जो भी कानून है उसका पालन करना चाहिए, चाहे वो आपका देश हो चाहे वो इंटरनेशनल कानून हो, दोनों देश जो दोनों कानून का पालन करते हुए आपको ऑर्गेनाइज जो वायलेंस है उसके अगेंस्ट आपको लड़ना है, ठीक है। इंगेजिंग इन अनऑथोराइज एक्शन विद इन एम्बेसी ऑफ नेबरिंग कंट्री अंडर द प्रिटेक्स ऑफ कंबाइंड करप्शन विल नॉट एड इक्वेडो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे कि
आपने जिस तरह से एम्बेसी पे क्या किया है, हमला किया है, ठीक है, अनऑथोराइज एक्शन, अनऑथोराइज मतलब कि ये लीगल नहीं थी, ठीक है, ये जो भी आपने किया है इसका कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं था, ठीक है। तो ये, और आप क्या दिखाना चाहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, करप्शन को कम्बेट कर रहे, मतलब कम्बेट करना मतलब बेसिकली आप खत्म करना चाहते, ठीक है, ये आपको हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। इन एड्रेसिंग इट मल्टीट्यूड चैलेंजेस इफेक्टिवली, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे कि विल नॉट एड इक्विडो, एड मतलब होता है मदद करना, इन एड्रेसिंग मल्टीट्यूड ऑफ चैलेंजेस इफेक्टिवली। तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस है, ठीक है, आपके पास चुनौती बहुत है, ठीक है, आपको गैंग वायलेंस खत्म करना है, आपको करप्शन खत्म करना है, आपके पास ऑलरेडी काम है, ठीक है, बट आप जिस जिस रास्ते से जा रहे हो, अगर आप उस रास्ते से नहीं जाते हो तभी आपको मतलब आपका जो भी चैलेंजेस है हो सकता है वो खत्म हो, ठीक है, बट करप्शन खत्म करना है इसलिए आप किसी एम्बेसी में जाके रेड डालते हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप किसी लॉ का ब्रेक कर रहे हो, ये गलत बात है। तो आपको इस तरह से काम करना चाहिए जिससे आपके ना डोमेस्टिक लॉ खत्म हो, डोमेस्टिक लॉ मतलब कि जो एक विद इन एक कंट्री लॉ रहता है, जैसे कि इंडिया में जो भी लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो जो भारतीय संविधान जो है वो है डोमेस्टिक लॉ, ठीक है, और जो वियना जैसे वियना कन्वेंशन जैसे जो इंटरनेशनल अलग अलग जो लॉज है वो है इंटरनेशनल लॉ। तो आपको दोनों कानून के आदर करते हुए आपको क्या करना है, चैलेंजेस को जीतना है, ठीक है, या खत्म करना है, ऐसा ये आज का एडिटोरियल बोल रहा है। तो बेसिकली आप कोशिश करो कि चैलेंजेस बिना प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए खत्म हो, ना कि प्रॉब्लम को खत्म करने में और आप प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा एटलीस्ट थोड़ा सा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या कोई भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़, कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर क्लास खत्म करें, बहुत अच्छी बात है, सबको ऑलमोस्ट सब समझ में आ गया। देन आर यू हियर, चलो अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं क्लास खत्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे एवरीवन, पढ़ाई कीजिए।